हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कविता जी का उपवन। आप यहां पर देख सकते हो मेरा ब्यूटीफुल सा फ्लावरिंग प्लांट, जिसकी केयर और टिप्स मैं आप सबके साथ शेयर कर चुकी हूं। कौन कौन से खाद इसमें ऐड करने चाहिए, क्या क्या इसकी केयर और टिप्स होती है, वो सब कुछ मैं आप सबके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो अपराजिता का प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो कि परमानेंट प्लांट है और बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। आप देख सकते हो नीचे से ऊपर तक कितनी अच्छी फ्लावरिंग है। हमारे एरिया में 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है और जिसकी वजह से सारे प्लांट जो हैं वो अच्छे फ्रेश आपको दिख रहे हैं। और देखो, ये प्लांट मैंने लास्ट ईयर कटिंग से ग्रो किया था और आप देखो इस पर फ्लावरिंग भी आने लगी और प्लांट की मतलब लीव्स देखो लस ग्रीन है। तो चलिए जी, आज मैं आपको बहुत कुछ बताने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक देखना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेना। और यहाँ पर तुलसी जो कि सीड से ग्रो हुई थी बहुत अच्छी चल रही हैं। और ये देखो, ये हमारा यहाँ पीछे की तरफ जाके तुलसी माता को कवर कर रहा है। इसकी ब्रांच आप देख सकते हो कितनी थिक हो चुकी है और मुश्किल से ये मेरा प्लांट जो है वो 2.5 या 3 महीने का होगा, इससे ज़्यादा नहीं है। आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो भी अब नए सीज़न स्टार्ट होने वाला है उसमें गार्डनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। देखिए, मेरे साथ भी बहुत कुछ ऐसा होता है जो अच्छा नहीं होता, लेकिन मैं शेयर ज़रूर करती हूँ आप सबके साथ। तो यहाँ पर मैंने इसमें पपाया का प्लांट रिपोर्ट किया था जो कि बहुत बड़ा था, वो नहीं चला, ज़्यादा बारिश की वजह से ख़राब हो गया। और जो बिल्कुल छोटू सा था उसे देखो, ये सरवाइव कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर इसका मैंने अपडेट दिखाया था, सॉरी आपके सामने ही पहले मैंने ये सीड ग्रो किए थे। 4 सीड लगाए थे खुद की ही घर की हार्वेस्टिंग फली में से, सीड उसमें से हार्वेस्ट किए थे। उसमें से 2 तो अच्छे खासे ग्रो हो रहे हैं और ये देखो, ये अब 15 दिन के मेरे ख्याल से, हाँ ये 15 दिन के हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर एक अपडेट मैंने यहाँ पर मैंगो का प्लांट रिपोर्ट किया था, ये भी अच्छा खासा चल रहा है। यहाँ पर मैंने पपाया का प्लांट लगाया था, वो नहीं चला है। तो ऑलमोस्ट कहानी यह है कि पपाया का प्लांट अभी नहीं सरवाइव कर रहा है और बाकी सब ठीक ठाक चल रहे हैं। ज़्यादा पानी की वजह से, ज़्यादा वाटरिंग की वजह से, ज़्यादा बारिश की वजह से प्लांट की कंडीशन थोड़ी ख़राब है, लेकिन कोई बात नहीं। तो चलो जी, आज मैं आपको बताती हूँ नए सीज़न में आप कौन कौन सी सब्जियाँ ग्रो कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले तो हमारी बीन्स ही है, इसको ज़रूर ग्रो करो। मिर्च की जितनी वैरायटी आती है, जैसे कि ये तो रेड चिली, सॉरी ग्रीन चिली है, मतलब कि हरी मिर्च है। यहाँ देखो, आपको दिख रही होगी ये वाली, ये देखो कितने सारे इस पर बर्ड बनी हुई हैं और कितने सारे इस पर फ्लावर हैं। तो जितनी भी मिर्च वाली वैरायटी आती है, जैसे कि हरी मिर्च होगी, शिमला मिर्च होगी लाल वाली और पीली वाली, ग्रीन वाली, जितनी भी आती है वो सारी शिमला मिर्च आप लगा सकते हो इस टाइम पर। आप इस टाइम पर बैंगन लगा सकते हो, हल्दी का मुझे नहीं पता क्योंकि हल्दी पहले लगती है। आप इस टाइम पर ट्राई करके देखो, अगर लग जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि हल्दी और अदरक में ना इस टाइम पर छोटे छोटे से फुटाव मैंने देखे हैं, क्योंकि हमारे घर में अदरक तो आता ही है, उसमें फुटाव हो रखा है। आप ग्रो कर सकते हो। यहाँ से मैंने अपना कंटेनर हटा दिया है, वो दूसरी तरफ ले गई हूँ मैं, क्योंकि उसमें फलियाँ बहुत सारी आ रही थी, बहुत सारे प्लांट उसमें ग्रो हो रहे थे। तो बीन्स की फलियाँ तो मैं आपको हमेशा ही दिखाती हूँ। और पोई साग भी इस टाइम पर लगाओ, पहले यहाँ से जो हटा है ना वही मैं आपको दिखा दूँगी। ये देखो, ये बड़ी सारी हो गई हैं। तो बीन्स में भी बहुत सारी वैरायटी आती है, जैसे किडनी बीन्स हो गया, लॉन्ग बीन्स हो गया, स्मॉल बीन्स हो गया, बहुत सारी बीन्स की वैरायटी है। आप उसमें से कोई भी बीन्स जो आपके पास ईजिली अवेलेबल हो आप उसको ग्रो कर सकते हो। इसके बाद आप यहाँ पर बैंगन ग्रो करोगे और जो हमारी मूली होती है, मूली में भी 4-5 तरह की वैरायटी आती है, आप मूली ग्रो करके देखोगे। गोभी जितनी भी तरह की होती है गोभी ग्रो करोगे, एक तो फुल गोभी, पत्ता गोभी, बंद गोभी, ये जितनी भी गोभी की वैरायटी होती है आप वो सारी गोभी ग्रो करोगे। और टोमेटो मैं दिखा देती हूँ, घर में कुछ लकड़ी का काम हो रहा है जिसकी वजह से ये लकड़ियाँ यहाँ पर रखी हुई है सूखने के लिए। तो यहाँ पर देखो, आप टोमेटो के प्लांट ज़रूर ग्रो करो। ठीक है, दूसरी तरफ मैं ले जाती हूँ, यहीं से गई हूँ और मुझे फलियाँ दिखी नहीं है। देखो कितनी सारी फलियाँ हैं, तो फलियाँ की भी मैंने बता दिया है, ये फलियाँ आप ग्रो करो। और इस टाइम पर बहुत सारी चीज़ें आप ग्रो कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको बताऊँ, मेथी वगैरह जो होती है और हमारी चौलाई जो होती है, मेथी को थोड़ी देर से लगाना, अभी मत लगाना, 15-20 दिन निकल जाए उसके बाद लगाना। चौलाई जो होती है रेड कलर की और एक आती है ग्रीन कलर की, आप वो ग्रो करो। ठीक है, तो इस तरह से छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करके देखो, ज़रूर ग्रो होगा कुछ ना कुछ। पीछे की तरफ बहुत सारी है, वहाँ तक मेरा हाथ नहीं जा रहा है। देखो ये वो कंटेनर है जो मैं उस तरफ से लाई हूँ, इसमें एक देखो ये फली सूख गई है ना, तो इसमें से सीड हम कलेक्ट कर लेंगे बाद में। और यहाँ पर इसमें पीछे चला गया, ये देखो ये अदरक मैंने ग्रो कर रखा है। यहाँ पर पीछे की तरफ ये जो दिख रहा है ना आपको, ये अदरक है और इसमें बहुत सारी बेल जो है वो नीचे की तरफ से अपने आप निकल रही हैं और फलियाँ भी इसमें बहुत सारी हैं। ठीक है, छोटी छोटी सी फलियाँ हैं, जैसे कि मैं इधर दिखाती हूँ, पीछे की तरफ चली गई, ये देखो ये जो दिख रही है ना आपको, ये फली है।
और एक यहाँ लटक रही है, ठीक है। तो इस तरह से देखो मेरे गार्डन में जो होता है ना, मैं बस उसी पर फोकस करती हूँ। बहुत सी चीज़ें नहीं होती है मेरे गार्डन में तो मैं नहीं लगाती हूँ। मूली वगैरह का जो सीज़न है अब आ गया है, आप उसको ग्रो करके देख सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ों की पौध बनती हैं, आप उनकी पौध तैयार कर सकते हो। जैसे टमाटर की पौध होती है, शिमला मिर्च की होती है, और हमारी जितनी भी गोभी मैंने आपको बताई है, उन सब की पौध आप पहले तैयार करो और उसके बाद आप रिपोर्ट कर देना, ठीक है। मेरे गार्डन में मूली वगैरह आराम से चल जाती है, तो मैं मूली ग्रो करना भी आपको बताऊंगी। तो शॉर्टकट में मैंने आपको बहुत सी चीज़ें बता दी है जिनको आप इस टाइम पर ग्रो कर सकते हो। आप इस टाइम पर पालक वगैरह भी ग्रो कर सकते हो, मेथी, बथुआ, सोया, ये सब अभी थोड़ा देर से ग्रो करना, मतलब कि अक्टूबर स्टार्ट हो जाए उसके बाद ग्रो करना, अभी मत करना क्योंकि ये थोड़ी सर्दियों वाली हैं, तो इनको आप थोड़ा आराम से ग्रो कर सकते हो। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो फिर फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।